नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी जिले में पूर्व एवं वर्तमान वार्ड सदस्यों की मानदेय का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। मधुबनी जिले में पूर्व एवं वर्तमान वार्ड सदस्यों के मानदेय का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। काफी समय से पंचायतों के निर्वाचित वार्ड सदस्य मानदेय भत्ता नहीं मिलने से आक्रोशित हैं। एक सप्ताह के अंदर मानदेय का भुगतान नहीं होने पर वे लोग आंदोलन करेंगे। इस आशय की जानकारी अंदराठाड़ी प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ के पदाधिकारियों ने दी। बताते चले कि महासंघ के कई पदाधिकारी शुक्रवार को मानदेय भत्ता भुगतान आदि की टोह लेने के साथ अन्य कार्यों से भी प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय आए थे। भत्ता भुगतान की स्थिति नहीं देखकर वे लोग बिफर गए और आक्रोशित होकर परिसर में ही नारेबाजी करने लगे थे। प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद आलम अंसारी ने बताया कि वार्ड सदस्यों का आक्रोश वाजिब है। मासिक मानदेय भत्ता की राशि अत्यल्प है, समय पर उसका भुगतान नहीं किया जाता है। इस मामले में प्रशासनिक संवेदनहीनता काबिले गौर है। मात्र चालू पंचवर्षीय का ही नहीं, पिछले पंचवर्षीय के 13 महीनों का मानदेय राशि 2 वर्षों से जिला में अटकी हुई है। अधिकांश वार्ड सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है। निर्धारित मानदेय भत्ता समय पर नहीं मिलने से वार्ड सदस्यों को पंचायत संबंधी दायित्व के निर्वहन में दिक्कत होती है। महासंघ के कोषाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने बताया कि जबकि पंचायत समिति और कचहरी पंच का मानदेय भुगतान कर दिया गया है, वार्ड सदस्य का अभी तक मानदेय भत्ता भुगतान नहीं किया गया है। संघ के सचिव विश्वंभर प्रसाद यादव का कहना था कि अगर एक सप्ताह के अंदर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है, वे लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। पूछने पर बीडीओ रामनाथ कुमार ने कहा कि अब इन लोगों का भुगतान जिला से होगा। प्रखंड कार्यालय से सभी जनप्रतिनिधियों के आईडी और संबंधित कागजात जिला को भेज दिए गए हैं। अंदराठाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।